Welcome to Dani's Tutorial Institute. My name is Danishta. Before interacting with the children, I would like to interact with my ex-students of this institute, that is the hospitality and tourism. I've got a lot of messages from all of you that is our institute closed? Oh, God forbid, no, that's not closed. It's running, but because of pandemic, as you all know, that we had to close the offline classes and we closed the online classes as well because some of the students from this institute had lost their jobs, due to pandemic, and they are not able to get their children enrolled in some schools. That's why I'm giving myself, being the CEO of the organization, I'm giving myself the classes to their kids as a gift. As a small gift, एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनके बच्चे सफर ना करें, because they are really very very important to me, as that was the first batch of ours, and due to pandemic we had to close the institute for certain time. बाकी rest आपका institute आपका ही है, और आज मैं आप ही के classroom में आई हूँ बच्चों को भी class देने. अदरवाइज आप ही की फैकल्टी में से कोई क्लास दे देता बच्चों को, बट आई वुड लाइक टू गिव द क्लासेस मायसेल्फ टू ऑल द किड्स ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑफ माय इंस्टीट्यूट. ओके, हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. वेल, आज हम बड़े बच्चों की क्लासरूम में आ गए हैं. हमने चोरी चोरी उनकी क्लासरूम में आ गए, और मैं आपको चोरी चोरी उनकी क्लासरूम में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो सब मास्क पहनना होता है ना, जैसे आपको भी स्कूल नहीं जाना होता है, तो उनको भी बोला है बड़े बच्चों को भी घर में बैठो, तो हमने सोचा उनकी क्लास में आज क्लास देंगे. यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े अल्फाबेट्स भी लगा के हैं, अभी आपको ये रिकॉग्नाइज होंगे. रिकॉग्नाइज तो आप कर सकते हो, जैसे TOURISM टूरिज्म, ये अभी पढ़ना नहीं आएगा, बट रिकॉग्नाइज इनको कर सकते हो. ओके, चलो लेट्स रिकैप्चुलेट हम लोगों ने अभी तक क्या किया. ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने लेटर्स दो पढ़े, आई मीन अल्फाबेट्स. एक तो हम लोगों ने अभी तक ए किया, तीन ही लाइंस को टच करना है ना, ए किया, और इसमें हमने क्या किया, वन स्लांटिंग लाइन, यहां का भी है स्लांटिंग लाइन, एंड अदर वन इज स्लीपिंग. ठीक है, और हमने किया कल बी स्टैंडिंग लाइन, कर्व स्ट्रोक एक बी तक, इधर तक जहां ब्लू लाइन स्टार्ट होता है एंड दूसरा खत्म. तो ये क्या है, स्टैंडिंग लाइन, एंड ये है कर्व्ड स्ट्रोक, और ये भी है कर्व्ड स्ट्रोक. ठीक है ना, ऐसे भी अभी जैसे आपको खुद को भी लिखना होगा, तो पहले आप साइड में ऐसे भी बना के रख सकते हो, जैसे स्लीपिंग दो दो डॉट्स पे बनाओ. ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ऐसे वाला स्लांटिंग लाइन, इस तरीके वाला कर्व्ड स्ट्रोक, टू डॉट्स वाले आपको बनाने हैं, यहाँ का कर्व्ड स्ट्रोक, फिर हमने पढ़ा था लास्ट में हुक स्ट्रोक इस वाले का, और अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे हुक स्ट्रोक, ये अगर यहाँ पे आप साइड में रखोगे एक जगह बना के एक पेज पर, तो फिर हम उससे आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे आपको मम्मी बोलेगी स्लीपिंग लाइन डालो, तो ये आप इससे देख देख के कर सकते हो, खुद भी आप कर सकते हो. अब हमें आज लिखना है ए, ए लिखा हमने, बी भी लिखा, उसके बाद क्या आता है सी, है ना, सी आपको रिकॉग्नाइज करना आता है, सी सिंपल है, सिंपल सी ये है कर्व्ड स्ट्रोक, सीधे हाथ वाला कर्व्ड स्ट्रोक. इसको भी हम क्या करेंगे, हम इसको पहले डॉट पे भी बनाएंगे, तो फिर इसको हम ऐसे करेंगे, फिर
हम इसको दो डॉट्स पे भी बना सकते, इधर एक इधर एक, तो बन गया। और फिर ऐसे, ये तो आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया कर्व्ड स्ट्रोक, यही होता है सी। ठीक है, अब हम करेंगे आज का जो हमें करना है। इसमें भी कर्व्ड स्ट्रोक आता है, ए बी सी, उसके बाद क्या आता है डी, है ना। तो डी को हम क्या करेंगे, पहले हम डालेंगे ऐसे डॉट्स, हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन। फिर इसी के यहां से घूम 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 के क्या बनाएंगे, कर्व्ड स्ट्रोक। इसको हम ऐसे भी करेंगे, अब हमें पता चल गया घूम 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 डॉट्स पे बन गया हमारा डी। फिर हम बनाएंगे दो डॉट्स डालेंगे स्टैंडिंग लाइन एंड अ डी, फिर विदाउट डॉट स्टैंडिंग लाइन एंड अ डी, तो बन गए हमारे डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपको ये पढ़ना आता है, अब आपको ये लिखना भी आता है। उसके बाद क्या करोगे आप, इस सारे को इमेजेस करके व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे, वो व्हाट्सएप नंबर अब आपके पास है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, और आज का काम इतना ही है, ए बी सी डी। अब थोड़ा सा अगर आप, हमने पढ़ा हुआ है ए फॉर एप्पल, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ना प्री स्कूल में ए फॉर एप्पल, उसकी मैं इमेज भी दिखाऊंगी। बट आज से आप एक और चीज याद करोगे, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, अभी कल मैंने आपको बोला था E for English, आप याद रखोगे, अभी आपको स्पेल करना नहीं आएगा इसको, E for English, E for elephant भी आपने पढ़ा है अभी तक आप E for English रखोगे याद। ठीक है, बट आज आप नया एक सीखोगे, A for apple है ही है, मगर अब आप क्या सीखोगे, A for alphabets, जो हम लिख रहे हैं, ये किस सिस्टम, देखो अभी आपको तो नहीं आता है स्पेलिंग, मगर आप ये देखो, जैसे मैंने बोला, जैसे हम बोलते हैं ई फॉर एलिफेंट, तो किस से स्टार्ट होता है, ई से, वैसे ही ई फॉर इंग्लिश, आप इधर देख के समझ सकते हो, अब ये इंग्लिश है, ई आगे ई लिख के, वैसे ही ए फॉर अल्फाबेट्स, इसको क्या लिख के है आगे ए। ठीक है, ये आप याद करोगे आज और कल, फिर मुझे आप सुनाओगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, क्या करोगे, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेयर मास्क, डोंट इरिटेट योर मम्मी एंड पापा, जो आप कहते हो नहीं बोला करो मैम, डोंट इरिटेट, हम इरिटेट करें, और प्ले करना, और क्या करना है, खाना पीना अच्छे से है, मस्ती करनी है, बट क्लीन भी रहना है, अपने कपड़े सारे गंदे नहीं करने हैं, जो कि गंदे करते हैं बच्चे कुछ, मगर मेरे तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो गंदे नहीं करते। और आपको तो एक अच्छी भी चीज़ अब हो गई, अब आपकी जो जूम क्लासेस होती थी उसका भी टाइम आपको कम किया, ठीक हो ना, खुश हो इस चीज़ पर। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।